बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सीरीज में डिमार्गन्स लॉ है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि ए यूनियन बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, या ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम भी है और बहुत सारे थ्योरम्स हैं कि हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको प्रूव करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एफ यू इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। सेट ए हमारे पास बराबर है 1, 3 एंड 5। सेट बी हमारे पास बराबर है 2 एंड 5। इसका एक कंपोनेंट है कि प्रूव दैट ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब इसको हमने प्रूव करना है, और इसको अगर हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, अगर दोनों हमारे पास इक्वल्स आ जाते हैं तो हम लिखते हैं कि हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेट अस ट्राई ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए सबसे पहले हम ए यूनियन बी को मालूम करेंगे। ए यूनियन बी हम मालूम करेंगे तो देखिए ए के मेंबर्स लिखे, ए के मेंबर्स हमारे पास है 1, 3 एंड 5। यूनियन है बी के मेंबर्स हमारे पास है 2 एंड 5। अब ए यूनियन बी हमारे पास बराबर होगा 1, 2, 3, 5 दो मरतबा है, लेकिन यूनियन में हम इसको एक मरतबा लिखते हैं। तो हम तरतीब से क्वेश्चन लिखते हैं, तो ए यूनियन बी हमारे पास बराबर है 1, 2, 3 एंड 5। अब मालूम करेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हम लेंगे यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हमारे पास होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इसके मेंबर्स हमारे पास है 1, 2, 3, 4 एंड 5। माइनस है ए यूनियन बी के मेंबर्स हम लिखेंगे, तो ए यूनियन बी के मेंबर्स है 1, 2, 3 एंड 5। अब देखिए इसमें जो सेम है उनको कैंसिल करें, 1 फॉर एग्जांपल 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 5, 5 के साथ। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर है सिर्फ 4 रह जाता है, क्योंकि 4 इसी में मौजूद है और इस साइड में नहीं है, और हमने ये वाला साइड इसी से माइनस करना है। तो ये हमारे पास हो गया है लेफ्ट हैंड साइड। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर है 4 के। अब हम मालूम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट हम मालूम करेंगे, क्योंकि इसका दूसरा हिस्सा है इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा हम लिखेंगे यू माइनस ए। यूनिवर्सल के मेंबर्स है 1, 2, 3, 4 एंड 5। माइनस है ए के मेंबर्स हम लिखेंगे, ए के मेंबर्स है 1, 3 एंड 5। तो अब देखिए ये इनसे माइनस करें, 1, 3 भी कैंसिल हो गया, 5 भी कैंसिल हो गया, तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है 2 एंड 4 के। अब मालूम करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट हम मालूम करेंगे, तो बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हम करते हैं यूनिवर्सल माइनस बी। तो अगेन यूनिवर्सल के मेंबर्स लिखे 1, 2, 3, 4 एंड 5। माइनस है बी के मेंबर्स लिखे, तो बी के मेंबर्स है 2 एंड 5। तो मैंने लिख लिया है 2 एंड 5। 2
कैंसिल करें, फाइव भी कैंसिल करें, तो बी कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स रह जाते हैं 1, 3 एंड 4। तो अब लिखेंगे हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स हम लिख लेते हैं 2 एंड 4, बीच में इंटरसेक्शन डाल ले। बी कॉम्प्लीमेंट के मेंबर लिखे 1, 3 एंड 4। रिमेंबर वन थिंग कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि द डिजिट आर द वेरिएबल दैट इज इन कॉमन बिटवीन द टू आर मोर देन टू सेट्स। ए कॉम्प्लीमेंट में भी देखे, बी कॉम्प्लीमेंट में देखे, तो अगर हम ए और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों में देखें तो इनमें हमारे पास 4 वाहिद हिंसा है जो कि दोनों में कॉमन है, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 4, और ये हमारे पास हो जाएगा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो वो भी 4 के बराबर था एंड देट वॉज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। राइट हैंड साइड हमारे पास भी 4 के बराबर है और ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव दैट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज वन कंपोनेंट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट आई हैव प्रूव्ड। इसका दूसरा पार्ट है, सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसका दूसरा पार्ट जो है वो बराबर है किस चीज़ के बराबर।